तुरंत दे दिए 12 लाख। तुरंत 5 मिनट में हमने रखते ही कहा कि सर आज तक नवादा में ऐसा कोई नहीं किया। बिल्कुल तहे दिल से हम लोग पासवान समाज इनके साथ हैं, जो कि हम लोग को पासवान समाज के नवादा जिला के पासवान समाज के मान सम्मान देने का काम किया। पर हमने सामने लगाए, देखिए मोबाइल पर मेरे खाता क्रेडिट कर दिए, पैसा दिखा दिया कि पासवान समाज भाइयों आप मुख्य संरक्षक कमेटी के सारे लोग, हम लोग अध्यक्ष सारे लोग वहाँ पर थे, कई इसकी सारे लोग देख लीजिए। पहली बार ये सांसद देखे हैं, क्या कहना चाहेंगे सांसद जी की? बहुत बहुत धन्यवाद उनको देंगे। हम लोग तहे 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 दिल से और सारे परिवार के तरफ से पासवान रहेगा, एक वोट इन्हें उन्हें नहीं जाएगा, केवल जाएगा समझ कीजिए कि चंदन जी के, जो पासवान समाज का मान सम्मान रखा है। अभी हम नवादा के सोभिया पर हैं, जहां बाबा चूहरमल की पवित्र मंदिर है और मंदिर के प्रांगण में है, और यहां उपस्थित जनता है, खासकर हम इनसे जानेंगे, चूंकि अभी वर्तमान सांसद नवादा के लोकप्रिय सांसद चंदन सिंह आए थे और इन लोग का कुछ गृहांश था, और गृहांश जो पेश किए क्या कुछ मिला ये जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर? ज्योति पासवान, हम मुख्य संरक्षक हैं इस मंदिर के, ये हमारे अध्यक्ष है ब्रह्मदेव पासवान जी, बाकी सारे कमेटी हमारे यहाँ जितना है सब। तो अभी माननीय सांसद आए हुए थे जी सर, आप लोगों ने जो गृहांश रखे जी सर विवाह मंडप के लिए, हाँ। सामुदायिक भवन के लिए, हाँ। क्या हुआ? तुरंत दे दिए 12 लाख। 12 लाख तुरंत 5 मिनट में हमने रखते ही कहा कि सर आज तक नवादा में ऐसा कोई नहीं किया। लेकिन सोविया पर एक जात की नहीं, सभी जात सभी धर्म सभी तरह के लोग, पासवान समाज का सिर्फ नहीं, मतलब सभी सभा के माध्यम से रखे, हाँ और सभा में ही, सभा में भी ऑन स्पॉट पैसा लाख वही हम लोग को दिखा दिए कमेटी के लोग को, 12 लाख 12 लाख हाँ क्रेडिट हो गया, हाँ क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया, हमको दिखाया कि देखिए ज्योति जी बोले कि जब तक क्रेडिट नहीं होगा जब तक यहाँ सभा से उठ के नहीं जाएंगे, आप लोग को 12 लाख रुपया देंगे मंदिर में, बाबा चौहर मन निर्माण समिति के ओर से बनाया जाएगा, यहाँ भवन बनाया जाएगा, विवाह मंडप बनाया जाएगा, और उन्होंने कर दिखाया, ऐसा नेता आज तक नवादा जिला में नहीं हुआ है। ये बताइए हाँ कि हम भी नहीं देखें, आप देखें कि नहीं ऐसा नेता? ना कभी नहीं कि 5 मिनट नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, वादा करता है, वादा करता है। एक संसद प्रतिनिधि, एक संसद के यहाँ फंड लाने के लिए चापाकल ढलैया पीसीसी नाली के लिए चप्पल किया जाता है, चप्पल किया जाता है जी, है ना जी जी जी। ये संसद जो है जैसे ही आप मैंने मांग किए और मंच पर ही घोषणा कर दी, घोषणा कर दी, घोषणा नहीं किए, दे दिए है ना, दे दिए मोबाइल पर हमने सामने लगाए, देखिए मोबाइल पर मेरे खाता क्रेडिट कर दिए, पैसा दिखा दिया कि पासवान समाज भाइयों आप मुख्य संरक्षक कमेटी के सारे लोग, हम लोग अध्यक्ष सारे लोग वहाँ पर थे, कई इसकी सारे लोग देख लीजिए। और जब तक 5-7 मिनट देरी हुआ उतना देर बैठे सबको बैठाए, और जब पैसा ओके हो गया सामुदायिक भवन के लिए बड़ा विवाह मंडप, हम लोग चाहते थे कि आप बैठे उठे का हो, सभी जात के लोग यहाँ पर आते हैं बगल में मंदिर के बगल में, कि आप कहे थे कि विशेष पैसा देंगे, लेकिन उन्होंने एक राय दिए कि एक्सेस पैसा में टेंडर होगा, ये लटक जाएगा मामला, टेंडर में समय लगेगा, हाँ इसलिए बहुत कम इतने पैसा देते हैं जो काम आप तुरंत शुरू कर दीजिए। ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे बहुत कम प्रतिनिधि, ऐसे कम नेता होते हैं जो साफ छवि के होते हैं, साफ सुथरा होते हैं, जो कोई छल प्रपंच नहीं करते हैं, है ना? नहीं सर, ऐसे नेताओं को कहा जाता है जो लेते हैं वो देते नहीं है, जो लेते हैं जो वोट लेते हैं वो दुख दर्दों को देखने के लिए नहीं आते हैं। वोट मैंने इनको यहाँ बुलाए थे शुरू में, जब नॉमिनेशन हो रहा था उस दिन हमने बुलाया था, इनके दादा आए थे, गोल लगे थे, अब दादा इन्होंने बचल दिया था, एमपी साहब कहीं वही सारा किए, वही से क्या एक बार पुनः फिर ऐसे सांसद को मौका मिलना चाहिए नवादा में, ऐसा मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। यदि फिर चंदन सिंह दोबारा यदि नवादा से यदि नेतृत्व करते हैं तो क्या आप लोग हम लोग समाज पूरा इनको वोट देंगे? बिल्कुल तहे दिल से हम लोग पासवान समाज इनके साथ हैं, जो कि हम लोग को पासवान समाज के नवादा जिला के पासवान समाज के मान सम्मान देने का काम किए हैं, बाबा चौहरमल मंदिर निर्माण में यहाँ सहयोग करने का काम किया, सारे जिला कमेटी की ओर से हम बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेटी के सदस्य हैं? हाँ, कमेटी के मुख्य संरक्षक हैं, अध्यक्ष हैं सारे कमेटी के, ज्योति पासवान हुए, हम आशु पासवान हो गए, ब्रह्मदेव पासवान हो गए। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि लगभग 77 साल आजादी का हो गया, लेकिन अभी तक हमने भी आंखों से नहीं देखा ऐसा सांसद को, कि मामला ऑन द स्पॉट
जो मांग हुआ जनता का वही जो है ऑनलाइन क्रेडिट खाते में हो जाता है फंड, अभी आज तक नहीं देखा। एक नाम सुना था बाबा लाल मुनि चौबे, जिन्होंने जब बिहार की आपदा आया था, जब बिहार में जब बाढ़ आया था 2007 में, तो 5 करोड़ रुपए बिहार राहत कोष में दे दिया था अपना फंड का। लेकिन पहला सांसद हैं जो ऑन ऑन स्पॉट पहली बार जीवन में इतिहास बना है देश का, जीवन में देश का इतिहास बना जो ऑन स्पॉट। ऐसे लोगों को कहीं कहीं जाति और मजहब से उठ के इनको वोट भी करना चाहिए, सारे लोग। हाँ हाँ, सारे लोग को। हाँ, चूंकि ये पवित्र धाम जो है शोभिया पर जो है वो किसी जाति का नहीं, किसी मजहब का नहीं, चूंकि सनातन का है, हिंदुओं का है। यहाँ पर शादी विवाह के लिए, कार्यक्रम के लिए, यज्ञ पवित्र के लिए, उपनयन संस्कार, तमाम रीतियां जो है यहाँ होती हैं। लोग आते हैं बहुत, ये व्रत भी होता है, छठ व्रत भी होता है। ये जो धरती जो है सनातन इतिहास, सनातन से जुड़ा हुआ रहा है ना। हाँ जी सर, जी। लेकिन यहाँ का थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा है, यहाँ के लोग, यहाँ के जो व्यक्ति आते हैं, जो यहाँ काम करते हैं, क्योंकि हमने 10 दिन पहले देखा था इस तालाब का स्थिति, पूरा गंध मार रहा था, बदबू दे रहा था। इस जो मंदिर है सर, ये जो मंदिर बना, इसके उद्घाटन के लिए कौशल यादव जो माननीय विधायक थे गोविंदपुर के, उन्होंने कहा था कि ज्योति पासवान जी, रामविलास पासवान जी को लाइए। लेकिन हम लोग दिल्ली अध्यक्ष जी के साथ दिल्ली में 10 दिन रहे, कोई कारण से नहीं मिला हम लोग को। तो फिर महेश्वर हजारी के ला करके उद्घाटन कराया इस कार्यक्रम को, लेकिन रामविलास बाबू नहीं आए, गुजर गए। लेकिन चिराग पासवान रास्ता से गुजर रहे थे तो यहाँ गोड़ लगे लाए, आए हम लोग के सामने आए गोड़। सांसद प्रतिनिधि तो काम करते हैं, लेकिन आम जनमानस का भी काम होता है, दायित्व होता है कि यदि आप मंदिर बना दिए तो पूजा पाठ भी आम लोगों का, साफ सफाई आम लोगों का कर्तव्य होता है। आइए, जो हमने आंखों से 10 दिन पहले देखा है कि पूरा गंदगी से भरा तालाब था, देख लीजिए। तो मुख्यमंत्री और सांसद महोदय साफ करने के लिए नहीं आएंगे यहाँ? हम आप कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पूजा पाठ करने का जगह देख लीजिए, इसका जगह देख लीजिए, कितना बाबा चौहरमल देख सकते हैं। बाबा चौहरमल का मंदिर है और देख सकते हैं बाबा चौहरमल जो है ना, बताना चाहेंगे इनके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये बाबा चौहरमल मोकामा में विश्व के पैमाने पर वहाँ टाल में इनका अति लगता है, मेला लगता है। और मोकामा नहीं बना सके, लेकिन नवादा जिला में कम से कम यहाँ पर शोभिया पर चैत के पूर्णिमा के दिन 1 लाख की भीड़ होती है। और आदरणीय देखिए जिला पार्षद हैं, और जिला पार्षद भी रहे हैं, ज्योति पासवान है, मासो पासवान है, मुनीलाल पासवान है, ब्रह्मदेव पासवान है, बाबा चौहरमल माल के सब परिवार हैं, सारे परिवार। और हम लोग संगठन के माध्यम से ये मंदिर बनाए हैं। 20 साल पहले गए थे मोकामा, वहाँ के भीड़ को जब हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने सपना सोचा था कि मोकामा तो सब जगह नहीं हो सकता है, लेकिन बाबा के चरण का धूलि के बराबर नवादा में एक जगह दीजिए। कौशल जी विधायक इसका जगह दिए, माननीय विधायक कौशल यादव इसके देन है, हमको जगह दिए हैं। ये पवित्र धरती पर किसी जात का मंदिर यहाँ नहीं कह सकते हैं। सांसद महोदय का भी जन्म भूमि जो है मोकामा ही, मोकामे है, मोकामा है, हाँ मोकामा लगाव जो है, हाँ बाबा चौहरमल से सांसद महोदय का लगाव। जोहान सिंह जो इनके जो भाई हैं, पिता समान हैं, वो भी लगातार पासवान जी से पूरा पारिवारिक संबंध, पारिवारिक संबंध था, बहुत पारिवारिक संबंध था। मोकामा की धरती में इतनी भीड़ होती है, और कौन नेता उस धरती पर रह गए? लालू यादव, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार जितना धरती पर, मीरा कुमार। अच्छा ये बताइए, वो स्थल दिखाइएगा जहाँ पर सामुदायिक भवन बनेगा, देखते हैं। यही वो जगह है जहाँ माननीय सांसद नवादा के चंदन सिंह शिलान्यास की जमीन का अभी तो है ना, धरती पर जमीन छू कर गए, पैर लग के धरती माता गए हैं, और यही जो है जगह है, यहीं पर सामुदायिक भवन बनेगा, विवाह मंडप बनेगा, विवाह मंडप बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल, सभी जात के लिए, पासवान के लिए, सभी जात के लिए, हिंदुओं के लिए, हाँ हिंदुओं के, सभी जात के लिए, हाँ सनातन। हाँ तो बहुत खुश है यहाँ के जनता, यहाँ के जो भी ग्रामीण थे, जो मांग किए, मामला जो सांसद जो है ऑन द स्पॉट ही खाता में पैसा, जितना भी योजना का राशि है, क्रेडिट करवा दिया। अब काम करवाना इन लोगों का काम है। सर, बहुत जल्द हम शिलान्यास वही करेंगे। देखे हैं पहली बार सांसद देखे हैं, क्या कहना चाहेंगे सांसद जी के? बहुत बहुत धन्यवाद उनको देंगे। हम लोग तहे तहे दिल से और सारे परिवार के तरफ से पासवान रहेगा, एक वोट देने उन्हें नहीं जाएगा, केवल जाएगा समझ कीजिए कि चंदन जी के जाएगा, जो पासवान समाज का मान सम्मान रखा है। चार डी में भी ऐसा समझ गए कि मान सम्मान रखते हैं, समझ कीजिए कि सूरज भान सिंह वहाँ कुछ इनका भाई जो है सो वहाँ भी जमीन दान में दिए हैं। अच्छा, ऐसा काम किए हैं, ऐसा एमपी बार बार नहीं, इतना उम्र हो गया ऐसा एमपी नहीं देखे, नहीं देखे। आप भी वीडियो में बने हुए थे, और कैसा लगा वीडियो
और आपने भी देखा कि कैसे ये लोग का जो मामला था, गृहांश था, सांसद महोदय ने कैसे ऑन समझिए कि स्पॉट पैसा क्रेडिट कर दिया योजना का। तो कैसा अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा, कैसा सांसद चाहिए और सांसद जी ने ऐसा कार्य किया उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद।